मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लगभग 4 माह पहले 7,26,375 रुपए के चोरी हुए गहने राबोड़ी पुलिस ने बरामद किया है। राबोड़ी पुलिस स्टेशन में पत्रकार परिषद कर जानकारी दी गई। मंडप डेकोरेशन का व्यवसाय करने वाले 62 वर्षीय शिवराम हामवीर के घर से सोने चांदी चोरी हो गए थे। मामले की जांच के दौरान पता चला कि परिवार से ही संबंध रखने वाला शुभम हामवीर ही चोरी की घटना को अंजाम दिया है। शुभम पर तब शक हुआ जब वो पैसे बियर बार और होटलों में खर्च कर रहा था। शक के आधार पर जब पुलिस ने पूछताछ की तो शुभम ने अपना गुनाह कबूल किया। इसके अलावा चोरी में शामिल दूसरे आरोपी अक्षय प्रशांत आगरे की जानकारी पर सोने चांदी के कारीगर शिर सागर नामक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है। पोपड़ी एरिया में है वह दत्ता शिवराम हामवीर ज्वाइंट फैमिली के करता है। उनके घर में शादी था। शादी के दौरान जो गहने थे पूरे तीनों भाई के और जो बहुए और उनकी वाइफ उनके सब ज्वेलरी जो है एक डिब्बे में रखा था कपाट में। तो शादी के दौरान ये दागिने ढूंढने गए निकालने गए तो मिले नहीं। तो अभी सब मेहमान आए थे घर पे तो उन्होंने कुछ ज्यादा उसका जिक्र किया नहीं। उसके बाद में उनका जो भतीजा है वो कुछ रात देर रात लेट आता था घर पे शराब पी करके। तो थोड़ा सा शक उसी के ऊपर उनका पॉइंट आउट हुआ। बाद में पुलिस स्टेशन आने के बाद उन्होंने ये बात बताई। उनके टीम ने उसको उठाया शुभम रविंद्र हामवीर को। थोड़ी तहकीकात करने के बाद उसने मिलने की कबूली दी। उसके बाद में जो उसका दोस्त थे अक्षय प्रशांत आंगरे उसके जरिए वो ज्वेलरी थी वो तो बेचा उन्होंने। सुनील शंकर शिवसागर नाम का एक सराफ है जो लेबर वर्क करता है 6 लाख रुपए में ज्वेलरी उसने रख ली। और फिर ऐसी मालूमात मिलते मिलते तीनों को हमने उठाया तीनों को यहाँ लाए। पुलिस ने इनके पास से 7,26,375 मूल्य के गहने बरामद किए हैं। राबोड़ी पुलिस ने इनके खिलाफ 411-34 के तहत मामला दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।